देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए HBN न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। गुजरात के साबरकांठा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 तक पहुंच गई है और वहीं 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। पूरी दुनिया में समस्या का सबब बने कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते कई भारतीय नागरिक विभिन्न देशों में फंस गए थे। केंद्र सरकार इन नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत कर चुकी है। अभी इस मिशन का पहला चरण जारी है, लेकिन इस मिशन को अंजाम देने में लगी एयर इंडिया और उसके सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बात करते हैं पहले चरण की, जो साबरकांठा जिले के नागरिकों को कुवैत से लेकर आए हैं। नागरिकों को फिलहाल क्वारंटाइन के लिए अरवली जिले के मोडासा भेजा गया, जिनमें एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल कोरोना संक्रमित युवक को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने बताया कि गुजरात के सभी 33 जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 340 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 9,932 तक पहुंच गई है। राज्य में अभी तक 606 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना की बीमारी से कुल 4,035 लोग ठीक हुए हैं। कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। बात करें आज विजयनगर तहसील के अंदर भी एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। बात करें उन कोरोना पॉजिटिव मरीज के बारे में, यह मरीज शायद कुवैत से आया, ऐसा एक जानकारी हमें प्राप्त मिली है।